हमारी ये वीडियो इससे पिछली वीडियो की कंटिन्यूशन में है। इससे पिछली वीडियो में हम लोग ये देख रहे थे कि कॉस्ट अकाउंटिंग किसे कहते हैं और उसकी क्लासिफिकेशन कॉस्ट की किस तरह से की जाती है और किन बेसिस पर हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं। तो कुछ क्लासिफिकेशन रह गई थी, वो हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं हम लोग कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग हम कहते हैं, जैसा कि हम इसे एक मिसाल की मदद से समझते हैं, कि हमने एक बुक शेल्फ खरीदी है। अब बुक शेल्फ या इसके अलावा कुछ भी हमने खरीदा, उसको खरीदने के लिए जो हमें अमाउंट पे करनी है या हम अमाउंट पे कर रहे हैं, उसको कॉस्ट कहा जाता है और कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। अब कॉस्ट को रिकॉर्ड करने को हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग। अब जो भी चीज़ खरीद रहे हैं उसकी कॉस्ट को रिकॉर्ड करना, ये सब कहलाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट की डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफिकेशन की जाती है, डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट एग्जाम में इन्हें तकसीम किया जाता है। अब इनमें से जो कैटेगरीज रह गई हैं, जो क्लासिफिकेशन रह गई हैं, हम इनको देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन मेकिंग के लिहाज से अगर हम लोग देखें तो कॉस्ट को किस तरह से तकसीम किया जाता है, कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन है कॉस्ट की, तो वो है हमारी रेलेवेंट कॉस्ट और इररेलेवेंट कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो कि हमारे डिसीजन को मुतासिर करे, उस कॉस्ट को कहते हैं हम लोग, ये है रेलेवेंट कॉस्ट। और ऐसी कॉस्ट जो कि डिसीजन को मुतासिर ना करे, उसको हम लोग कहते हैं वो है इररेलेवेंट कॉस्ट। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। अब न्यू प्रोडक्ट को जब हमने लॉन्च करना है तो इस प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशन है वो डिफरेंट है। इस प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें, या इस तरह के डिसीजंस, इस तरह की रिकमेंडेशन देने के लिए हमें एक सेपरेट मैनेजर को हायर करना पड़ेगा, जो हमें बताएगा कि न्यू प्रोडक्ट से रिलेटेड किस तरह से इसकी प्रमोशन की जाएगी, किस करना चाहिए हमें इसे लॉन्च या नहीं करना चाहिए इसको लॉन्च। इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन न्यू प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें न्यू मैनेजर बताएगा और मैनेजर को हमने देनी है सैलरी। अब अगर हमने ये डिसीजन लेना है कि इस प्रोडक्ट को हम लॉन्च करें या ना करें, तो इस प्रोडक्ट, इस डिसीजन में जो मैनेजर की सैलरी है वो रेलेवेंट कॉस्ट है। अब अगर ऐसा है कि हमारा जो ऑलरेडी मैनेजर काम कर रहे हैं, वही मैनेजर इस प्रोडक्ट के लिए भी हम लोगों को सजेशन दे सकते हैं, और हमने वही मैनेजर उसी सैलरी में, इस मैनेजर से भी हमने उसी टाइम पीरियड में ये इस प्रोडक्ट पर भी मैनेजर, एग्जिस्टिंग मैनेजर एनालिसिस करेंगे और हम लोगों को बताएंगे कि हम लोगों को प्रोडक्ट जो है वो न्यू लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब अगर सेकंड सिनेरियो है जिसमें हमें न्यू मैनेजर नहीं हायर करना पड़ेगा इसके लिए, तो मैनेजर को ऑलरेडी भी हम सैलरी पे कर रहे हैं, तो ये है हमारी मैनेजर की जो सैलरी है वो है इररेलेवेंट कॉस्ट। उसका सैलरी तो पहले भी दे रहे हैं, अब भी देंगे, तो इस कॉस्ट का इस डिसीजन से कोई लेना देना नहीं है, तो ये इररेलेवेंट कॉस्ट है। और रेलेवेंट कॉस्ट वो होती है जो कि हमें स्पेशली, जो हम लोग डिसीजन लेने जा रहे हैं उससे रिलेटेड, अगर वो लेंगे तो कॉस्ट पड़ेगी, अगर वो नहीं लेंगे तो कॉस्ट नहीं आएगी, उसको हम अपनी रेलेवेंट कॉस्ट कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, फंक्शंस की बेसिस पर हम कॉस्ट को कितनी कैटेगरीज में और कौन सी कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। तो ये है हमारे पास, एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जहाँ पर प्रोडक्शन होती है, यहाँ पर फंक्शन यानी काम, डिफरेंट कामों की बुनियाद पर हम लोग कॉस्ट को क्लासिफाई कर रहे हैं। जहाँ प्रोडक्शन होती है उस सारे डिपार्टमेंट की, उस सारी फैक्ट्री की जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन कॉस्ट में आएगी। अब वो कॉस्ट जो कि सेल से रिलेटेड है, हमने एडवर्टाइजमेंट करनी है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, कमीशन देना है कमीशन एजेंट को, इस तरह जो भी सेलिंग से रिलेटेड हमारी कॉस्ट हैं उसको हम लोग कहेंगे कि वो हमारी सेलिंग फंक्शन में आएगी। यानी ये हम लोग ये कर रहे हैं कि फंक्शन की बेस पर कॉस्ट को किस तरह से तकसीम किया जाता है। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन, हमने प्रोडक्ट या जो भी चीज़ बना रहे हैं उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसकी कॉस्ट जो हमारी आती है। और फिर है एडमिनिस्ट्रेशन, जो हम लोग काम कर रहे हैं
एक कंपनी चल रही है, अब उस कंपनी को जो लोग मैनेज कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसकी, उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट, और एक पूरा डिपार्टमेंट डेवलपमेंट कर रहा है, और वो बताता है कि डेवलपमेंट करने के बाद कि हमें स्पेशल जो है वो न्यू प्रोडक्ट या इस तरह से डिफरेंट जो है वो नई चीज़ों पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये एक स्पेसिफिकली एक अलग डिपार्टमेंट है। तो फंक्शंस की बुनियाद पर हम जो कॉस्ट को तकसीम करते हैं वो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट, सेलिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट और डिवेलपमेंट की कॉस्ट। तो ये इसके अलावा मज़ीद फंक्शंस भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कंपनी कितनी लार्ज स्केल पर उसका बिजनेस है उसके लिहाज से उसने कितने फंक्शंस वो परफॉर्म कर रही है या कितने डिपार्टमेंट्स हैं एक कंपनी के। तो यहाँ पर हमने देखा कि डिसीजन मेकिंग की बुनियाद पर किस तरह से कॉस्ट को क्लासिफाई किया जाता है और फंक्शंस की बुनियाद पर किस तरह से कॉस्ट को क्लासिफाई किया जाता है। और अगर इससे हम पिछली वीडियो को भी एक दफ़ा रीकैप कर लें कि इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, हमने डिफरेंट कॉस्ट क्लासिफिकेशन की और इन कॉस्ट क्लासिफिकेशन में हमने पहले देखा कि एलिमेंट्स की बुनियाद पर कॉस्ट को अगर हम क्लासिफाई करें तो ये है मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, और फिर ऑब्जेक्ट्स की बुनियाद पर डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबिलिटी की बुनियाद पर यानी किस तरह से कॉस्ट में चेंज आता है या फिक्स्ड कॉस्ट रहती है, तो ये है फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और इसके बाद हमारे पास है कि हम कॉस्ट को तकसीम कर रहे हैं नॉर्मेलिटी की बुनियाद पर, ये है एबनॉर्मल कॉस्ट और नॉर्मल कॉस्ट, और फिर है कंट्रोलेबिलिटी की बुनियाद पर कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, और फिर है कैश फ्लो की बुनियाद पर तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, और फिर अभी जो हमने किया कॉस्ट को हम लोग डिसीजन मेकिंग की बुनियाद पर तकसीम करते हैं रेलेवेंट कॉस्ट और इररेलेवेंट कॉस्ट में, और फंक्शंस की बुनियाद पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं उनकी बेस पर कॉस्ट को क्लासिफाई किया जाता है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कॉस्ट को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, किन बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है और उन बेसिस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये हम लोगों ने सीखा।